बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और चैनल को सपोर्ट कर रहे होंगे। और माशाल्लाह से बहुत सारे स्टूडेंट चैनल पर आ चुके हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते से कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी, जो एक आप ये कह सकते हैं कि पार्टी कह लें, तंजीम कह लें या कुछ भी कह लें, एक वो है जो वर्किंग कर रही है, और उसने क्लासेस का बॉयकॉट किया हुआ है। जो 6 फरवरी से लेके था कि जुम्मे तक हम जो है वो टेम्परेरी मींस 11 बजे के बाद कोई क्लास नहीं लेंगे, और अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम जो है वो 13 फरवरी से मुकम्मल हड़ताल के ऊपर चले जाएंगे। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और जो पुराने भी स्टूडेंट्स हैं, वो बड़े परेशान हैं कि क्या किया जाए, कि क्लासेस होंगी या नहीं होंगी, क्या हमारा आना, कि कहीं हमारा आना जो इतनी दूर से आता है, कोई नेवल सोसाइटी से आता है, कोई कहीं से आता है, कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। तो परसों से अब तक जो था, बहुत मुतादित स्टूडेंट्स की मेरे पास कॉल आ चुकी थी कि सर क्या है, मंडे को यूनिवर्सिटी जाएं या ना जाएं, कंफ्यूजन का शिकार हैं, या अगर होगी तो कौन से डिपार्टमेंट में क्लासेस होंगी या नहीं होंगी। तो मैंने उन स्टूडेंट्स को ये कहा था कि मैं संडे की रात तक बता दूंगा, लेकिन अभी अभी मेरी फ़ोन पर बात हुई है एक साहब से जो कराची यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो उन्होंने बोला मुझे ये जो बात उन्होंने मुझे बताई वही मैं आप तक कन्वे कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि देखें, ये KUTS कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी जो है, ये एक तंजीम है या एक पार्टी है, जमात कह सकते हैं आप, जो टीचर्स को सपोर्ट करती है, यूनियन टाइप की, ये जिस डिपार्टमेंट में वर्किंग कर रही है, ठीक है ना, या जो डिपार्टमेंट्स का इनसे इलहाक है या जिधर ये वर्किंग करते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में हड़ताल है। क्योंकि अभी तक उन्होंने बोला कि यही नोटिफिकेशन है कि फरवरी 13 फरवरी से मुकम्मल हम लोग हड़ताल की तरफ चले जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ वही डिपार्टमेंट ऑफ होंगे जहां पर KUTS के साथ जिन डिपार्टमेंट्स ने इलहाक किया हुआ है, मीन्स उनके साथ जुड़े हुए और उनके साथ वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं जो KUTS मीन्स इस तंजीम या इस पार्टी के साथ इलहाक नहीं है, इनके साथ लिंक में नहीं है, वहां पर अपनी क्लासेस जैसे होती थी वैसे होती रहेंगी। मीन्स कुछ KU की तरफ से ऑफिशियल नोटिस कोई नहीं आया, क्योंकि KU के एक अलग चीज़ है और KU के अंदर ये एक मुख्तलिफ पार्टीज हैं, जैसे मुख्तलिफ पार्टीज काम कर रही होती हैं आपको पता है, तो ये एक स्पेसिफिक पार्टी, एक स्पेसिफिक जमात जो है वो बॉयकॉट की तरफ जा रही है। KU अपना कोई गवर्नमेंट लेवल या मैनेजमेंट लेवल के ऊपर कोई ऐसा उसका नोटिफिकेशन नहीं है कि जी हम पूरी जामिया को ऑफ कर रहे हैं। तो उन्होंने यही बात बताई कि भाई कुछ डिपार्टमेंट्स ऑफ होंगे जहां पर कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी का डिपार्टमेंट्स के साथ इलहाक है, सिर्फ वही डिपार्टमेंट्स ऑफ होंगे, अदरवाइज तमाम तर डिपार्टमेंट्स चलते रहेंगे जैसे चलते हैं। इसमें एक खास डिपार्टमेंट है जो इकोनॉमिक्स की क्लास ऑफ नहीं हुई है, इकोनॉमिक फाइनेंस की भी क्लासेस ऑफ नहीं हुई हैं, ना मॉर्निंग ना इवनिंग, जो जैसी थी वैसे ही चलती रहेंगी। ये अब तक की न्यूज है, अगर कोई चेंजिंग आ जाती है कि भाई मुकम्मल तौर पर हड़ताल है तो वो फिर शायद रात को पता चले, लेकिन अब तक का यही है कि भाई कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी के अंडर जो डिपार्टमेंट्स आ रहे थे सिर्फ वो कल से ऑफ होंगे, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे। अब स्टूडेंट्स परेशान ना हो, जैसे अभी इवनिंग वाले स्टूडेंट्स थे, उनकी कुछ की ओरिएंटेशन हुई और कुछ की नहीं हुई, जामिया की तरफ से ये था कि भाई ओरिएंटेशन होगी, और जो एज पर जामिया एडवाइस जो था वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने ली, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स KUTS के अंडर आते थे, कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी के अंडर आते थे, उन्होंने ओरिएंटेशन कैंसिल कर दिया। सेम इसी तरीके से कल भी होगा, तो आप लोग अपने CR से मशवरा करें, CR को बोलेंगे भाई टीचर से पूछ के बताएं कि क्लास होगी या नहीं होगी, क्योंकि जामिया ने ऑफिशियल तौर पे क्लासेस बॉयकॉट करने का नहीं कहा, ये एक स्पेसिफिक पार्टी है जो क्लासेस ऑफ कर रही है, और वही डिपार्टमेंट क्लासेस ऑफ कर रहे हैं जो इसके साथ लिंक में है या इनका एग्रीमेंट हुआ है, जो भी चीज़ है। तो आई होप कि आप लोगों को अभी क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ के कौन से डिपार्टमेंट ऑफ हैं, कौन से डिपार्टमेंट ऑफ नहीं है, क्योंकि KUTS के अंडर कौन से डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो भी अभी सिर्फ डिपार्टमेंट्स को ही पता, वो हमें भी नहीं पता कि कौन से डिपार्टमेंट इसके अंडर काम कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक फाइनेंस की क्लास होगी ये फिलहाल अभी यही पता चला है।
बाकी आप स्टूडेंट्स अपने टीचर से लिंक करें और बताएं कि जी कल क्लास होगी या नहीं होगी। सही है, ये फैसला है कि कुछ क्लासेस, कुछ डिपार्टमेंट्स क्लास लेंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स क्लास नहीं लेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा, और अगर फिर भी कोई मसला है तो वो स्टूडेंट्स जिनको ये खदशा है कल हमारी ख्वारी ना हो जाए, वो एक दिन छुट्टी मार लें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लास हो रही है नहीं होगी। क्योंकि अगर कल क्लास उनकी नहीं होगी तो फिर आगे आने वाले हफ्ते में भी नहीं होगी, और जिनकी कल क्लास हो गई तो आने वाले हफ्ते में भी उनकी क्लास होगी। आई होप कि आप लोग की तमाम क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।